अगली खबर राजधानी देहरादून से है, जहां संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने गुरुवार को सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पांचों लोकसभा सीटों के लिए व्यय पर्यवेक्षक उत्तराखंड पहुंच चुके हैं और शुक्रवार को होने वाले नामांकन के दौरान उनके द्वारा पार्टी प्रत्याशियों के खर्च की पूरी निगरानी की जाएगी। इसी क्रम में नमामि बंसल ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन में शराब के दुरुपयोग को रोकने के लिए नियमित रूप से कार्यवाही की जा रही है। ऐसा नहीं है कि हमारे लक्ष्य को हमने इस प्रकार से तय किया है कि 25% मतदाता नहीं है, इसको हम क्लैरिफाई करना चाहेंगे। 75% का लक्ष्य हमने अपने पूर्व आंकड़ों को देखते हुए रखा है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि 2019 में हम 61% तक पहुंच पाए थे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने 75% का एक रियलिस्टिक लक्ष्य अपने लिए रखा है। और डेफिनेटली प्रयास तो यही है, जैसा कि हमने कहा कि हम 100% मैन टू मैन मार्किंग करते हुए, मतलब ऑब्वियसली मैन हियर इज अ जेंडर न्यूट्रल टर्म, मैन एंड वुमेन ऑल, सो इन सबको इंक्लूड करते हुए हम प्रयास यही करें कि प्रत्येक मतदाता तक पहुंचे और प्रत्येक मतदाता को प्रेरित करें कि वो मतदान केंद्र में आकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। परंतु अपने लिए एक रियलिस्टिक लक्ष्य रखते हुए हमने 75% का टारगेट दिया है कि हम ओवरऑल स्टेट में एटलीस्ट इतना अचीव